नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 4 बजे हरियाणा में आपके साथ मैं हुरीना गौरव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की अफसरशाही को लेकर बयान दिया है। सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में अच्छे अफसर भी हैं और जो अच्छे नहीं हैं उनका जल्द ही जंग उतरेगा। मुख्यमंत्री खट्टर गुड़गांव में उत्तर भारत के शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी। शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे। गौरतलब है कि गुड़गांव में उत्तर भारत के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता आलोक उपाध्याय। आलोक, यहां पर आप जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने कई अहम बयान दिए हैं और साथ ही एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि अफसरशाही को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो है उत्तरी राज्य के शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के लिए मीटिंग गुड़गांव के लीला होटल में चल रही थी, जहाँ लगभग 10 राज्यों के मंत्री, प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री सभी शामिल थे। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है कि जल्द से जल्द हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसके बाद जो प्रदेश में अफसरशाही है अफसरशाही को खत्म कर दिया गया है और आज भी जहां तहां अफसरशाही है उनको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रदेश में 8वीं और 5वीं क्लास में बोर्ड लानी चाहिए और जगह जगह ग्राम में जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सेवक है, इन सबसे भी इनकी बात हुई है। ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत और ग्राम के सभी प्रधानों का भी कहना है कि जल्द से जल्द 5वीं और 8वीं क्लास में भी बोर्ड लगनी चाहिए। जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने शिक्षा नीति का जिक्र किया आलोक, यहाँ पर आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि तमाम शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग राज्यों के, कब तक चलनी है ये मीटिंग और साथ ही क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है अगर शिक्षा नीति की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए लगभग 2 घंटे से मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग से मीडिया कर्मियों को काफी दूर रखा गया था कि कोई भी मीडिया कर्मी इस मीटिंग में प्रवेश ना कर सके। ये सारी मीटिंग स्मृति ईरानी जो है कैबिनेट मंत्री है उसके अगुवाई में सारी मीटिंग हो रही थी। उसके बाद लेकिन मीडिया कर्मियों को साफ तौर पर इस मीटिंग से बिल्कुल दूर रखा गया है। जब ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जो ये मंत्री, शिक्षा मंत्री जो बाहर निकले, उन्होंने बयान दिया, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम प्रदेश में सबके साथ मिलकर काम करेंगे और जहां तक उत्तरी राज्य में शिक्षा का स्तर है उसको काफी मजबूत करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार शिक्षा के स्तर को काफी मजबूत कर रहे हैं। वो देश में हर जगह चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर काफी मजबूत हो, इसीलिए हम हर प्रदेश के साथ मिलकर और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व अन्य लोगों के साथ मिलकर, जो जिला मंत्री है उनके साथ मिलकर हम सब इस पर चर्चा करेंगे और उत्तरी राज्य के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर आज हरियाणा भी एकता के लिए दौड़ा और एकता का संदेश दिया। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए श्रद्धांजलि दी और रन फॉर यूनिटी के लिए मुख्यमंत्री खट्टर भी दौड़े। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें कुरुक्षेत्र की है, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आयरन मैन को श्रद्धांजलि दी गई है, यहां पर खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो रन फॉर यूनिटी की तस्वीर है जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दौड़े। विधायक श्री सुभाष विधायक आज हम उनको नम्र करते हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता को सामने रख करके उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमने उनका जन्मदिन ये चुना कि इसको हमेशा हमेशा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए। पिछले 33 वर्ष से इस अभियान को लगातार लिया जा रहा है और ये एकता हमारे लिए, राष्ट्रीय एकता हमारे लिए जान से भी प्यारी है।
तो मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में दौड़े, उसके अलावा पूरा हरियाणा अलग अलग जगहों पर दौड़ा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एकता के लिए अंबाला में शपथ दिलाई। उसके साथ ही सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने रन फॉर यूनिटी के लिए हरी झंडी दिखाई। सिरसा की बात करें तो सिरसा में सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंची और रन फॉर यूनिटी के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मेवात में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। तो पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन पांचों ही तस्वीरों में एक समानता है, वो है रन फॉर यूनिटी। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने इस बार इनेलो को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि इनेलो केवल जाटों के बारे में सोचती है। कुरुक्षेत्र की पिछड़ा वर्ग की प्रदेश स्तरीय बैठक थी। बैठक में पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता के तौर पर उभरे बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने भी शिरकत की। दिल्ली में होने वाली रैली के लिए ड्यूटियां लगाई गई और जाट आरक्षण की पैरवी करने वाली इनेलो को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इनेलो तो जाट मुख्यमंत्री और जाट प्रधानमंत्री चाहती है। देखिए, उनको जाट के सिवाय न आरक्षण दिखाई देता है, जाट के सिवाय न उनको कोई प्रधानमंत्री दिखाई देता है, न मुख्यमंत्री दिखाई देता है। वो तो ये कहते हैं जाट मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है तो वो बहुत अच्छा है। खबर है कि रोहतक में होने वाली 1 नवंबर की इनेलो की सम्मान रैली में पटेलों के नेता हार्दिक पटेल शिरकत कर सकते हैं। इस पर बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मामला दर्ज है, उन्हें रैली में बुलाना गलत है। वो हार्दिक पटेल को बुला रहे हैं जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला हुआ है। इस प्रकार से लोगों को अगर अपना कुछ संदेश भेजना है देश में, जो लोग इतने लोगों को मरवा करके जो है ना देशद्रोह के मुकदमे में खुद फंसे हुए हैं, वो देश का क्या भला करने वाले हैं। बीजेपी जाट आरक्षण की पक्षधर है, लेकिन सैनी पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं। ऐसे में उनके बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अज्ञात आतंकी ने ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया है। एक व्यक्ति इस हमले में घायल हो गया है, जबकि कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो अनंतनाग से आ रही है, जहां पर एक अज्ञात आतंकी ने ग्रेनेड हमला किया है। यहां आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन अब किया जा रहा है, आतंकी की तलाश की जा रही है। इस ग्रेनेड हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है, इसके साथ साथ कई जो वाहन हैं जो वहां पर खड़े हुए थे उन्हें नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी कर ली है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता खालिद। खालिद, आप जानना चाहेंगे जहां पर ये ग्रेनेड हमला हुआ वो कौन सा एरिया था, क्या रिहायशी इलाका था, और साथ ही इस आतंकी के बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये जिला अनंतनाग का अछवल इलाका है जो मेन जिले से करीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ अछवल के बस स्टैंड में अज्ञात आतंकियों ने ये हमला किया है। और इस हमले में अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक शख्स के घायल होने की खबर है, लेकिन कुछ जो वहाँ पे पार्क किए हुए गाड़ियां थी उनके शीशे वगैरह टूटे हैं और उनमें नुकसान जरूर पहुंचा है। इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और जिन्होंने ये हमला किया है कोशिश की जा रही है कि उन्हें दर्द पहुंचा जाए, इसलिए पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। जी, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और साथ ही खालिद, यहाँ पर ये भी जरूर समझना चाहेंगे कि कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और इस आतंकी हमले को किस तरीके से देखा जा रहा है, खुलेआम ग्रेनेड फेंका क्या है? देखिए, करीबन आधा दर्जन गाड़ियां जो है वो इसमें क्षतिग्रस्त हुई है और काफी देर के बाद ये मेन अड्डे में हमला हुआ है। इससे निशानदेही थोड़ी चिंताजनक बात है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि खुलेआम कोई शख्स आता है और ग्रेनेड दाग के जाता है, और उस लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का सांझा ऑपरेशन चल रहा है, तलाशी अभियान, और कोशिश की जा रही है कि हमलावरों को दर्द पहुंचा जाए। जी,
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे जो अनंतनाग से आ रही थी, जहां पर एक आतंकी ने खुलेआम आपको बता दें कि ग्रेनेड फेंका है और इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। बढ़ते आगे, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने सरकार से इनपुट एडजस्टमेंट टैक्स पहले की तरह करने की मांग की है। उनका कहना है कि इनपुट एडजस्टमेंट खत्म करने से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है और सरकार के खिलाफ कॉटन व्यापारी पहले ही हड़ताल पर हैं। अगर सरकार व्यापारियों की मांग नहीं मानती तो मंडी के सभी व्यापारी बंद पर जा सकते हैं, जिसका फैसला 4 नवम्बर को व्यापारियों की बैठक में लिया जाएगा। हिसार के राजकीय कॉलेज की प्रोफेसर रेणुका गंभीर के सितार वादन की गूंज लंदन तक गूंजी है। लंदन के गार्जियंस रेडियो ने डॉक्टर गंभीर के सितार वादन को पेश किया। रेडियो ने यूट्यूब पर गंभीर के सितार वादन को सुनकर उनसे संपर्क साधा था। 30 अक्टूबर यानी कि कल शाम पूरे लंदन ने गंभीर के सितार वादन को सुना। रेणुका हिसार के राजकीय महाविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर है और उन्हें संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए काफी पुरस्कार पहले ही मिल चुके हैं। संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, ये मेरा स्टेप मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं लंदन तो नहीं जा सकी लेकिन मेरे सितार के स्वर लंदन गए हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरे कैरियर में इसका बहुत फायदा हो। हाँ, मैं नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया रेडियो से बजा रही हूँ सितार, तो अब मैं चाहती हूँ कि फॉरेन कंट्री में जाके आऊँ और अपना शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाऊँ। मेरी ये इच्छा है कि क्लासिकल म्यूजिक फॉरेन कंट्री में मैं जाके परफॉर्म करूँ। दीपावली में अब थोड़े ही दिन बचे हैं, दीपावली पर पटाखे छोड़े जाते हैं, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की अपील है कि इस बार दीपावली सेफ और सुरक्षित मनाएं। दीपावली पर पर्यावरण ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखें, इस दीपावली को इको फ्रेंडली दीपावली बनाएं और लोगों को भी जागरूक करें। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की दर्शकों से यही अपील है कि इस बार की दीपावली जो है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। अंबाला के स्कूली छात्रों ने इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का फैसला भी कर लिया है। दिवाली का इको फ्रेंडली अवतार, आपकी सुरक्षा और पर्यावरण का ख्याल, रोशनी और खुशियों से जगमगाएगा आपका घर, क्योंकि अंबाला में इस बार दिवाली कुछ हटके है। जी हाँ, एक संदेश और प्रेरणा बनकर इस बार अंबाला के स्कूली छात्रों ने इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का फैसला किया है। मिशन क्लीन एंड ग्रीन दीपावली को आगे बढ़ाने के मकसद से छात्रों ने दूसरों को भी इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की अपील की है। जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं कितना पोल्यूशन और इतनी गंदगी फैल रही है इन पटाखों के कर हमारा देश बहुत ही ज्यादा पीछे जा रहा है। इस देश को अच्छा बनाना है और स्वच्छ बनाना है। जी हाँ, मेरा यही प्रण रहेगा और मैं जी पंजाब हिमाचल हरियाणा के साथ जुड़कर ये चाहूंगा कि हम सब ये प्रण लें और इस दिवाली को बिना किसी फायर वगैरह, बिना किसी क्रैकर के जलाएं और बल्कि मोमबत्ती और सिर्फ दीपक जलाएं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हिसार से हरेराम भी जुड़ गए हैं। हरेराम, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार की अगर दीपावली की बात करें तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की जो ये मुहिम है काफी असरदार साबित होती हुई नजर आ रही है। जी रीना, हमारे साथ काफी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दीपावली में जो पटाखे छुड़ाए जाते हैं उससे काफी नुकसान होता है, आप लोगों का क्या कहना है इस पे? पटाखे जलाने से काफी सारा मात्रा में जो है पोल्यूशन होता है, बजाय इसके कि हम पटाखे जलाएं, किसी गरीब बच्चा जो कुछ भी नहीं कर सकता है हम उसकी हेल्प करें। जो पटाखे का पैसा है जो कि हमारा एक वेस्ट होता है वो किसी गरीब के काम आए, वो एक बहुत अच्छा रहेगा हमारे वातावरण के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी, हर लिहाज से जो है वो बढ़िया रहता है। और इसमें मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि वो बजाए पटाखों में अपना पैसा व्यर्थ करने के बजाय वो सारा पैसा अपने गरीब भाइयों का जो हमारी मदद हम उसकी कर सकते हैं किसी भी रूप में वो करें। जी पीएचएच जो है एक मुहिम चला रहा है से नो टू क्रैकर्स, उस पे क्या कहेंगे आप? मेरा कहना तो यही है कि मान लीजिए यदि आज मतलब
जैसे कि आज मान लो ये बता रहे हैं कि जैसे सर ने बताया कि पोल्यूशन के बारे में बताया, जैसे पिछले साल भी आपने देखा होगा काफी मात्रा में लोगों ने अपना नुकसान किया, हेल्थ के बारे में भी यदि बात करके चले तो तमाम तरह की यहाँ राय है रीना कि लोग ये मान रहे हैं कि क्रैकर्स छुड़ाना दीपावली पे स्वास्थ्य के लिए ही नुकसानदायक है, प्रदूषण उसे काफी फैलता है, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये यहाँ पर मौजूद लोगों का मानना है। जी बिल्कुल हरे राम, और ये ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद लोगों का बल्कि उम्मीद यही है कि इस बार देश के कोने कोने में लोग इसी तरीके की सोच रखें और सेफ और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हरे राम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।